हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज की वीडियो में हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत सुंदर सा कैरम बोर्ड रेडी करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है किस तरीके का कार्डबोर्ड का पीस और उस पर ड्रॉ करने हैं इस तरीके से चार सर्कल्स। सर्कल्स को ड्रॉ करने के बाद आपको अच्छे से कट करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने सर्कल्स को कट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड की इस तरीके की 3 स्ट्रिप्स और उनको आपस में मैं ग्लू लगाते लगाते जॉइंट करूँगी। गाइज, ये कैरम बोर्ड बनाने में बहुत इजी है और ये बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया है। मैं ही आई थॉट सो आपके साथ इसे सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। और इसमें पेस्टिंग वर्क हमने कम्प्लीटली फेविकॉल से की है, तो आप इसे अपने घर पर आराम से रेडी कर सकते हो। देखिए, इस तरीके की हमें जो है 2 स्ट्रिप्स तैयार करनी है। अब जो हमारा कैरम बोर्ड का बेस है, मैं उसके कॉर्नर पे इन 2 स्ट्रिप्स को पेस्ट करूंगी। ये वाली जो स्ट्रिप्स यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है। इनसे थोड़ी छोटी 2 स्ट्रिप्स हमें और चाहिएंगी, जो हम बाकी के 2 एरियाज पे पेस्ट कर देंगे। देखिए, ये है मेरी स्ट्रिप्स और अब मैं इनको पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए, आपको ग्लू लगा के इनको कुछ ऐसे पेस्ट करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने इनको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब जो हम रील होती है ना, उसका जो हमारा कार्डबोर्ड का हिस्सा है वो मैं ले रही हूँ। रील में जब धागा ख़त्म हो जाता है, जब जो हमारे पास हिस्सा बचता है वो मैंने लिया है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से जो है 1-1 सेंटीमीटर के गैप के हिसाब से कट कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इसको बेस के पीछे के हिस्से पर कुछ इस तरीके से लगाऊँगी। ये जो है हमारा एक स्टैंड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे मार्कर से मैंने कुछ इस तरीके की डिटेलिंग ड्रॉ की है। देखिए, अब हम इन डिटेलिंग्स पे अलग अलग पेंट कर देंगे। जो हमारे सर्कल्स है उनके एरिया पे मैं इस तरीके से येलो पेंट करूंगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं इसे मल्टीपल कलर में बना रही हूँ क्योंकि ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए है, इसलिए जैसे बच्चों का कैरम बोर्ड होता है ना, काफी कलरफुल एंड ब्राइट, वैसा हम इसको बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से येलो पेंट करूंगी। येलो पेंट को अच्छे से करने के बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड पेंट, और जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की है इन पे मैं रेड पेंट करूंगी। लाइंस के भी जो कॉर्नर्स के सर्कल्स थे उनको हमने येलो पेंट करा है। कलर कॉम्बिनेशन आप पूरा अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको इस तरीके से पेंट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ डार्क ब्लू पेंट, और बाकी का जो हमारा कॉर्नर का हिस्सा है उसको हम डार्क ब्लू से कुछ इस तरीके से पेंट कर देंगे। गाइज, इस कैरम बोर्ड को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए इसको जरूर बनाइएगा। देखिए, इस तरीके से पेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो सेंटर का हिस्सा है यहाँ पे हम ऑरेंज पेंट कर देंगे। ऑरेंज पेंट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ वॉयलेट कलर, और जो हमारा बाकी का कॉर्नर्स का हिस्सा है और जो कैरम बोर्ड के बैक का हिस्सा है उसको हम अच्छे से वॉयलेट पेंट से पेंट करेंगे। इससे पेंट करने के बाद मैंने वाइट पेंट से साइड में कुछ फ्लावर्स भी बनाए हैं। ये देखिए, जो बाउंड्री है इस पर हमने कुछ इस तरीके के फ्लावर्स भी बनाए हैं। आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट, और उससे इस तरीके की पट्टियाँ वगैरह कट करके मैंने इसको डेकोरेट किया है। गोल्डन शीट भी आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, ग्लिटर शीट। अब यहाँ पे जो हमने सर्कल्स कट किए थे, इनको अच्छी सी शेप देने के लिए मैंने पतली सी ग्लिटर शीट का पीस कट किया है और उसको मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। देखिए, इससे जो है इन सर्कल्स की गोलाई और अच्छे से दिखाई देगी। तो देखिए, हमारा जो कैरम बोर्ड है उसका बोर्ड तो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इनकी जो है गोटियाँ तैयार कर लेती हूँ, जो हमारे खेलने के पीसेज होते हैं उनको तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से कट किया है। और अब हम इनको ऐसे पेंट करेंगे। सबसे बड़ी वाली को मैंने येलो पेंट किया है और बाकी जो है मैं अलग अलग कलर से पेंट कर रही हूँ। ये पीच कलर है। देखिए, यहाँ पे कलरिंग के लिए हमने एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है जो काफ़ी ब्राइट लगते हैं। पीच कलर कंप्लीट है और बाकी भी हमने रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं बोर्ड के बैक पे ग्लू लगा के एक नेट का पीस पेस्ट कर रही हूँ, जैसा हमारे जो है खेलने वाले कैरम बोर्ड्स में होता है उस तरीके से।
नेट का पीस पेस्ट करने के बाद अब जो हमने हमारी गोटियाँ बनाई हैं उनको मैंने इस तरीके से रख दिया है। कान्हा जी का प्यारा सा कैरम बोर्ड बनके तैयार है। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।